भाइयों और बहनों, आज मणिपुर को 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी उपहार मिला है। ये सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं है, दर्जनों सुविधाओं का केंद्र भी है। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित ये चेक पोस्ट यात्री और व्यापार की सुविधा देगा। इसके साथ ही कस्टम क्लियरेंस, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, इमिग्रेशन क्लियरेंस, एटीएम, रेस्ट रूम जैसी सेवाएं भी यहां मिलेगी। यहां पर देश के सम्मान और प्रथम आजाद भूभाग के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज, उसका स्मारक भी बनाया जा रहा है। साथियों, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण यहां किया गया है, वो विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता तो दिखती ही है। पहले की सरकारों के कामकाज के तौर तरीकों को भी वो आपके सामने उजागर कर देती है। भाइयों और बहनों, दोलाई थाबिब राज की फाइल 1987 में चली थी, आप याद रखिए इन चीजों को। 1987 में एक फाइल चलती है, निर्माण का काम 1992 में 19 करोड़ की लागत से शुरू हुआ। उसके बाद मामला अटक गया। 2004 में इसको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा बनाया गया, लेकिन 10 साल तक फिर लटक गया। 2014 में जब हम आए तो देश भर के करीब 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, तब जाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। और 19 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद अब बनकर के तैयार है। अगर उस समय हुआ होता तो 19-20 करोड़ में हो जाता, लेकिन उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस, उसी का परिणाम है कि 19-20 करोड़ का प्रोजेक्ट 500 करोड़ पर पहुंच गया। ये पैसा हिंदुस्तान के नागरिक का है, ये पैसा आपका है, उन्होंने बर्बाद होने दिया है। साथियों, अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता, यहां के हजारों किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। इसी तरह यहां के युवाओं को रोजगार देने वाला थंगल सुरुगई को टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी साल 2011 में शुरू हुआ था। उसके काम को हमारी राज्य सरकार ने गति दी और आज ये आपकी सेवा के लिए तैयार है। तपुल के इंटीग्रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी। साल 2009 में इस पर काम शुरू हुआ था, हमारी सरकार ने इस पर काम तेज किया और आज मणिपुर के टूरिज्म को नया विस्तार देने वाली ये सुविधा आपको समर्पित है। साथियों, किसान हो या फिर नौजवान,
हर वर्ग को पिछली सरकारों की अटकाने भटकाने लटकाने के कल्चर से भारी नुकसान हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे भारत में विकास कार्यों को हमारी सरकार सिस्टम में सुस्ती और लापरवाही के पुराने आदतों को बदलने का ईमानदार प्रयास कर रही है।